जाओ, मैं ढूंढती हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, आऊँ? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चुप मिठू। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पकड़ा गया मिठू। और राजू तुम भी। अरे, इन पौधों को तो देखो, लगता है किसी ने इन्हें पानी ही नहीं दिया। कैसे मुरझा गए हैं, मर रहे हैं। जल्दी करो, पानी लेकर आते हैं। हाँ, ये ठीक है। ओह, बड़ी बुआ आ रही है। वो सुन लेंगी तो। नमस्ते बुआ, कैसी हो? क्यों मीना, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? हम इन पौधों को पानी दे रहे थे। पानी के बिना तो ये मर जाएंगे ना बुआ। खी खी कर हंस रही थी। चल मेरे साथ घर चल। ओह, चलती हूँ। बड़े दिनों से यहाँ आना चाह रही थी मैं। बहुत खुशी हुई, आखिर आप आई तो। देखिए, रानी भी पूरे 8 महीने की हो गई। ओह, तो तुम्हारी दूसरी लड़की हो गई। हम तो बहुत खुश हैं दूसरी लड़की से। बहुत खुश, बहुत खुश। आले ले, ये तो मुझ पर गई है। हाँ, मुझे भी लगता है, है ही मुझ जैसी। कितनी प्यारी बच्ची है। ओहो, मेरी रानी बिटिया। ना ना, रोना नहीं। मीना मुझे बाहर खेलती मिली, बहुत बिगड़ गई है। अब बड़ी हो रही है, सारा दिन घूमते रहना ठीक नहीं। स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही होगी। स्कूल? क्या मीना अब स्कूल जाने लगी है? क्यों नहीं, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं, उसे घर पर रहना चाहिए और घर का कामकाज सीखना चाहिए। वो सब भी सीख रही है। मीना स्कूल में बहुत से काम की बातें सीखती है और हमें भी सिखाती है। ऐसे तो तुम इसको बिगाड़ दोगी, जरा ज्यादा ही सियानी हो जाएगी। बुआ, पढ़ना लिखना तो अच्छा है ना? देखा देखा, क्या कहा था मैंने तुमसे। ओ राजू, मेरा राजा बेटा, आ मेरे पास बैठ। तेरी बहन स्कूल जाती है, मैं तो सुनकर हैरान रह गई। हाँ, मीना और मैं साथ साथ स्कूल जाते हैं। मीना स्कूल जाती है। बहुत बोलता है ये तोता, क्या इसके लिए पिंजरा नहीं है? नहीं, मिट्टू को खुला रहना अच्छा लगता है, ये मीना के साथ सब जगह जाता है। लेकिन तोते को तो पिंजरे में ही रहना चाहिए। पर बुआ, मिट्टू पिंजरे में नहीं टिकने वाला। देखेंगे। ये पिंजरा कितने का है? 10 रुपए का। ना ना, मैं तो 6 रुपए दूंगी। ये मीना के बदमाश तोते के लिए है। उस तोते के लिए तो लाओ फिर 6 रुपए ही दे दो। कहाँ है वो तोता? पकड़ लिया। चल अंदर तोते, फौरन। आ जा मिठू, मिठू, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये ले, अब तो पकड़ लिया तुझे बदमाश तोते। अरे मिठू को देखो, बेचारा मिठू। ओह, लगता है रानी को दस्त लग गए हैं। अरे ना बाबा, ऐसा मत कहो, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। मेरी दूसरी बच्ची, बेचारी बस 1 साल की थी, दस्त ही तो लगे थे उसे भी। हाय मेरी बच्ची। मुझे तो घबराहट सी हो रही है, रानी अचानक कमजोर दिख रही है, खेलती ही नहीं, चिड़चिड़ी भी हो गई है। मीना, मैं क्या करूं, स्वास्थ्य सेविका इतनी दूर रहती है,
और तुम्हारे बाबा भी पता नहीं कहाँ हैं। मैं अपनी बहन जी से जाकर पूछती हूँ, उन्हें सब पता रहता है। क्यों, फिर से गांव के चक्कर लगाने का इरादा है? जाने दो ना बुआ। जाने दीजिए दीदी, अभी आ जाएगी। जाओ फिर। चलो राजू। अच्छा मिठू। अच्छा। सच में क्या लड़की है। राजू, मीना, ऐसी रात में कहाँ घूम रहे हो? बहन जी, मेरी माँ बड़ी परेशान है। मेरी छोटी बहन बीमार है, उसे सुबह से दस्त लगे हैं और उल्टी भी कर रही है। वो ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल चिंता मत करो, अगर तुम सावधानी बरतोगे तो तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। याद रखो, जैसे ही बच्चे को दस्त लगे उसे फौरन पीने के लिए ज्यादा से ज्यादा दो। ऐसा क्यों बहन जी? बताती हूँ, डॉक्टरों का कहना है कि दस्त बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इन तस्वीरों को देखो, जब किसी बच्चे को दस्त लगते हैं तो शरीर का पानी बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे पानी बाहर आता जाता है, बच्चा कमजोर होता जाता है। उसके शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए उसे लगातार पीने को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। हाँ, अब इधर देखो, बच्चा एकदम ठीक हो गया। क्या ऐसे दस्त रुक जाएंगे? नहीं, पर जान बच जाएगी। शरीर का पानी अधिक निकल जाए तो बच्चा मर भी सकता है। रानी को पीने के लिए क्या दे? जो भी घर में हो थोड़ा नमक मिलाकर दे दो, जैसे चावल का माड़, दाल का पानी, लस्सी, साथ में अगर है तो ORS का घोल भी दे दो। मेरी बहन तो माँ का दूध पीती है। माँ रानी को अपना दूध भी जरूर पिलाती रहे, और इसके अलावा रानी जो खाती पीती है वो सब। अब भागो और माँ से कहो कि रानी को लगातार कुछ ना कुछ पिलाती रहे। पर बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। हाँ, पर हमें देर नहीं करनी है, रानी को ठीक करना है। ओह मिठू, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम हमसे जल्दी पहुँच जाओगे मिठू। माँ से जाकर कहो रानी को खूब पीने को दो। पीने को दो? हाँ ठीक, जल्दी करो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। मीना और राजू आते ही होंगे। मीना बताएगी क्या करना है। उफ, ये बारिश, बच्चे कहाँ हैं? रानी बीमार है, इसलिए मीना और राजू बहन जी से सलाह लेने गए हैं। इस तूफान में मैं लाता हूँ उन्हें। अरे मिठू, हाँ मिठू, क्या कहा तुमने? चुप रह बेवकूफ तोते, ये मीना ने कहलाया होगा। ऐसे कहीं दस्त ठीक होते हैं? हम तो ऐसा नहीं करते। तुम रानी को चावल का मांड दो, देखते हैं क्या होता है। मैं बच्चों को लेके आता हूँ। ये लो बिटिया, पी लो, प्यास लगी है ना, पी लो। पीने को तो। ऐसा भी कहीं देखा है, एक तोते की बात मान ली। हाँ, जो जी में आए करो, आजकल बड़े बूढ़ों की कौन सुनता है। मिठू ने आपको बता दिया क्या करना है? हाँ, रानी को खूब पिला रहे हैं, कितनी प्यासी है। देखो तो, मुस्कुरा रही है। जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए, हर दस्त के बाद जितना पी सके पीने को देते रहना है। हाँ मीना, ऐसा ही करें। बहन जी ने कहा है अगर रानी उल्टी भी करती है तो परेशानी की कोई बात नहीं, धीरे धीरे घूट घूट पीने को देते रहे। रानी को अब भी दस्त आ रहे हैं। दस्त की चिंता मत करो, पीने की चीजें देने से रानी अब बहुत ठीक लग रही है। हाँ ये तो है, देखो कैसे मुस्कुरा रही है।
ला तो इधर मेरी प्यारी रानी बिटिया को। बुआ, रानी अब ठीक लग रही है ना? हाँ हाँ, वो सब पानी वानी देना ठीक ही होगा शायद। कैसी है बिटिया? पहले से ठीक है, पर दस्त अभी भी है। दस्त आमतौर पर 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर दस्त में खून हो, या बच्चे को बुखार हो, या खूब उल्टियां आ रही हो, या वो खा पी ना सके, तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। फिर रानी को अच्छे से खाना पीना देते रहना है, ताकि वह पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाए। हाँ, इसे कुछ दिनों तक ज्यादा खाने को देना। सच मीना, तुमने अपनी बहन की जान बचा ली। हाँ हाँ, तुमने भी रानी की जान बचाई। खाने को इच्छा भी आशा।